झाड़ू लगा रहा हूँ, तुमको दिखता नहीं है क्या? सॉरी पापा। लव में लगा। थोड़ी हेल्प कराए करो ना, हैं? दिन भर फोन में लगे रहते हो। एग्जाम की प्रिपरेशन करी आपने? चलिए तैयारी कीजिए, वहां से बेड ठीक करिए। तुम्हारी क्लास हो गई? यस पापा। हाँ तो चलो, मेरा ऑफिस है। और ये यूनिफॉर्म यहाँ रखते हैं। और ये देखो सोफा, मैं करती हूँ, बैकग्राउंड में आता है। आज यदि हमें कोई असहिष्णुता पर बोलने को कहे तो हम जाति, धर्म, समाज, देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान विश्व स्तर का है। अगर घर में हम कब असहिष्णु हो गए पता ही नहीं चला। अपने ही घर में अपनी माँ, बहन, पत्नी व बिटिया के प्रति असहिष्णु हो गए? हाँ, सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा। मगर सोचिए जरा सा, लॉकडाउन क्या हुआ और आदमी ने घर का काम क्या कर लिया? बस सोशल मीडिया इन्हीं पब्लिसिटी स्टंट से भर गया। आदमी ने झाड़ू पोछा बर्तन में न जाना कितने वीडियो अपलोड कर दिए, और हम जैसे लोगों ने उन्हें लाइक शेयर करके ऐसे बुलंदियों पे पहुंचा दिया मानो हर आदमी की पीड़ा हो कि बर्तन धो धो करके उनका बुरा हाल है, जो गीला टॉवल सोफे पर, जूते इधर उधर, अखबार टॉयलेट में छोड़ करके ऑफिस निकल जाया करते थे, लौटने पर पत्नी को उलाहना, तुम सारा दिन करती ही क्या हो, आज चार बर्तन क्या धो दिए, उसके 4000 वीडियो बना डाले। आज पता चला कि घर में चम्मचे कितनी हैं। आज पता चला कि सिंक में कितनी बार गिलास आते हैं। आज पता चला कि किचन में कितना समय लगता है। क्या आपने कभी अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी का मनोभाव जानने का प्रयास किया है कि उन्होंने जीवन में कितना समय घर के कामों में लगाया है? बरसों से पुरुष को, चाहे वो पिता, पति, भाई या बेटा ही क्यों न हो, सबको थैंकलेस सर्विस देते हुए कभी नहीं थकी और ना ही गीत गाए कि उसने कितने कटोरी चम्मच धोए और कितनी बार सोफा और चादर ठीक की। आदमियों को थाल परोसकर बेड पर ही चाय देने वाली कभी कोई वीडियो न बना सकी। नौकरी करके भी घर का काम वही करेगी, इस टेकन फॉर ग्रांटेड फीलिंग से कितनी बार हर्ट हुई होगी। लॉकडाउन से हम एक सबक ले सकते हैं, जो जिंदगी को कल तक फसल की तरह काट रहे थे उसे जिंदा दिली से जी सकते हैं। जहां हम संकीर्ण मानसिकता की धुंध में दूर तक नहीं देख सकते थे, वहां हम नजदीक का देखने की कोशिश कर सकते हैं, सहिष्णु हो सकते हैं मातृशक्ति के प्रति। लोग मुझे फेमिनिस्ट बोलेंगे जरूर, पर मुझे फक्र है।